नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 नवंबर 2022 के आपके संपूर्ण राशिफल के बारे में। शुरुआत करते हैं आज के बहुत ही अच्छे ज्ञान से। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराई अपने लगने लगी, तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना। लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर मीठे फल होते हैं। आज का पंचांग, आज दिन बुधवार 2 नवंबर 2022, शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि रात्रि के 9:10 रहेगा। उसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगा। नक्षत्र की बात करें तो घनिष्ठ नाम का नक्षत्र रात्रि के प्रातःकाल 1:43 रहेगा। उसके उपरांत शतभिषा नाम का नक्षत्र प्रारंभ हो जाएंगे। गण नाम का शुभ योग सुबह के 10:26 रहेगा। उसके उपरांत वृद्धि नामक शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। मैं दोस्तों दिन राहु काल के समय की बात करें, अर्थात दिन के अशुभ समय की, यश में आपको भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को भूल से भी ना करें। तो दोस्तों यह समय रहेगा दोपहर के 12:10 से लेकर दोपहर के 1:33 तक। और दोस्तों चंद्रमा दिन मकर राशि के उपरांत कुंभ राशि में संचार कर जाएंगे। वह दोस्तों दिन के अभिजीत मुहूर्त की बात करें, अर्थात शुभ समय की, तो दोस्तों यश में कोई भी शुभ समय उपलब्ध नहीं है। तो यश में जो भी सबसे बड़े महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हें भूल कर भी ना करें। तो आए दोस्तों से के साथ बात करते हैं जो ग्रहों की स्थिति है और जो चंद्रमा का गोचर है आपकी राशि पर, आपके दैनिक दिनचर्या पर क्या क्या प्रभाव लेकर आएंगे। यश में आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी। किन किन चंद्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और कौन से कार्यों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी, जानेंगे इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से। तो दोस्तों अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों जिंदगी तुझसे हर वक्त समझौता क्यों किया जाए, शौक जीने का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। संकल्पों से जीवन सुधरता है, दृष्टि और दृष्टिकोण बदलता है। जीवन में ऊंचे उठते समय लोगों से अच्छा व्यवहार करें। कभी आप नीचे आए तो सामना इन्हीं लोगों से करना होगा। अच्छा दिखने के लिए नहीं किंतु अच्छा बनने के लिए जियो। हमें अपने जीवन से जुड़े अहम फैसले खुद लेने चाहिए ताकि बाद में हमें उसका अफसोस न हो। ना किसी के अभाव से जियो, न किसी के प्रभाव से जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने अपने स्वभाव से जियो। मत जियो उसके लिए जो दुनिया के लिए खूबसूरत हो, जियो उसके लिए जो तुम्हारी दुनिया खूबसूरत बनाए। हम जिंदगी में सोचते बहुत हैं और महसूस बहुत कम करते हैं। पानी को कस कर पकड़ोगे तो हाथ से छूट जाएगा। उसे बहने दो, वो अपना रास्ता स्वयं बना लेगा। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों यह समय आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण करने का समय होगा। दूसरों के प्रभाव में यह समय अपनाएं और अपने वसूलों और सिद्धांतों के अनुसार ही कार्य करें। आपको बता दें कि आपको वैसा ही सफलता इसमें प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए भी जो समय होंगे, आपको बता दें कि नौकरी अथवा इंटरव्यू आदि में सफलता की आपके योग बन रही है। और इसके उपरांत इसमें अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो आपकी किसी महत्वपूर्ण वस्तु के खोने या फिर चोरी होने जैसी आशंका बन रही है। अपनी चीज़ों की संभाल आप स्वयं ही करें। दोस्तों बनते कार्यों में कुछ व्यवधान यश में आ सकते हैं, परंतु तनाव लेने की अपेक्षा यश में आपको समस्या का हल निकालने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों ये आपके लिए यश में उचित साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों पिछले समय में मिले धोखे की वजह से लोगों पर विश्वास फिर से रखना आपके लिए कठिन रहेगा। निजी रिश्तेदारों के साथ किसी भविष्य संबंधित व्यवहार या फिर पेशे से संबंधित व्यवहार करते समय अपनी क्षमता से बाहर जाकर कोई भी काम ना करें, ये आपके लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। आज के उपरांत दोस्तों ये समय प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य करने के लिए जो समय होंगे बहुत ही अनुकूल समय होगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल में जाने का प्रोग्राम भी यश में बन सकता है तथा शांति भी यश में आप महसूस करेंगे। किसी प्रिय मित्र के साथ उपहारों का आदान प्रदान भी यश में
रह सकता है और इसके उपरांत उसे यश में किसी प्रकार का तनाव हावी रहेगा, परंतु यश में अपनी मन स्थिति मजबूत बनाकर रखें, शीघ्र ही परिस्थितियां समान हो जाएंगी। समस्याओं से घबराने की बजाय उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करें। आपको बता दें कि दोस्तों अपने नज़दीकी लोगों के साथ संबंधों में और अधिक मधुरता लाएं, ये आपके लिए बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में परिवार के साथ संबंध अच्छे बने रहने की वजह से आपको मानसिक समाधान भी प्राप्त होगा। जिन संबंधों को आप गहरा बनाना चाहते हैं उनके प्रति दिखाई हुई निष्ठा आपके लिए उपयुक्त रहेगी। भाई बहनों में भी यश में प्यार बढ़ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में भाग्य आपको हर परिस्थिति से जूझने की शक्ति प्रदान कर रहा है, अतः समय का भरपूर सदुपयोग करें और अपने निर्णय को ही सर्वोपरि देखें। दूसरों पर अधिक विश्वास करना यश में आपके लिए उचित नहीं रहेगा। शादी दोस्तों सभी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेने के बजाय उन्हें बांटना भी यश में आपको सीखना चाहिए, क्योंकि दूसरों की समस्याओं में उलझने से आपके अपने व्यक्तिगत काम प्रभावित होंगे तथा स्वास्थ्य पर भी इनका नकारात्मक असर पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपको दिखावे की प्रवृत्ति से भी दूर रहना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होगी, आपको बता दें कि दोस्तों मन की चंचलता और स्थिरता होने के कारण किसी एक बात पर एकाग्र होना आपके लिए कठिन होगा। आपको बता दें कि इनकी वजह से आसान काम भी आपको मुश्किल लग सकता है। खुद पर विश्वास रखकर आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए। परिस्थिति कठिन नहीं है, लेकिन मेहनत और लगन दिखाने की यश में आपको आवश्यकता हो सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें कि आपको महसूस होगा कि कोई ईश्वरीय शक्ति भी आपको जो है साथ दे रही है या फिर आपके कामों को कर रही है। ऐसा दोस्तों आपके मेहनत के अनुसार ही काम होंगे। आपको बता दें कि अपने आत्मविश्वास और फिर मेहनत द्वारा आप कोई बड़ी उपलब्धि भी यश में हासिल करने में सक्षम रहेंगे। आय के यश में नए स्रोत भी बनने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों कुछ नकारात्मक परिस्थितियां सामने आ सकती है, परंतु आप आसानी से उन्हें हल करने में भी सक्षम रहेंगे, बशर्ते आपको यश में मेहनत करने की आवश्यकता होगी, चिंताओं को ढूंढने की आवश्यकता होगी कि कहां से यश में समस्या का हम हल कर सकते हैं। इन पर यश में आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। इसलिए दोस्तों ये जो समय है, आपको बता दें कि बच्चों का उचित मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी होगा। लेन देन करते समय ध्यान रखें कि कुछ नुकसान भी यश में आपसे हो सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समझूंगे, आपको बता दें कि दोस्तों काम चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन उसे पूरा करने का उत्साह आपको इसमें सफलता दिलाएगा। बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति देखने की वजह से माता पिता की चिंता भी इसमें कम होने वाली है। प्रगति के महत्वपूर्ण अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। आपको बता दें कि उचित समय पर सब काम जो है पूर्ण भी हो जाएंगे। नौकरी पेशा लोग इस बात का ध्यान रखें कि आपके द्वारा किए गए काम का जो है श्रेय कोई और भी ले सकता है। बेहतर होगा कि अपनी गतिविधियों को किसी के समक्ष जो है जाहिर ना करें। दोस्तों ये समय आपके व्यवसाय के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि व्यवसाय में आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम भी हासिल होंगे। आर्थिक स्थिति भी यश में बेहतर बनी रहेगी, परंतु इस बात के इसमें आपको ध्यान रखना है कि किसी अधीनस्थ कर्मचारी की वजह से आपको कोई नुकसान होने की संभावना है। नौकरी में ऑफिस का वातावरण भी जो है अनुकूल बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समझूंगे, आपके करियर के लिए समझूंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकता है, जिसकी वजह से व्यवस्था बनी रहेगी। दोस्तों लोन लेने जैसी स्थिति भी यश में बन सकती है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को प्रमोशन संबंधी कोई खुशखबरी भी यश में मिल सकती है। इनसे दोस्तों आपका मन भी यश में प्रसन्न रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में बिजनेस संबंधी बाहरी गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान दें। इनकम का कोई नया सोर्स भी इसमें बन सकता है। किसी कर्मचारी की गलती की वजह से कोई काम भी इसमें खराब हो सकता है। बेहतर होगा कि सभी गतिविधियों पर अपनी निगरानी जरूर रखें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में वैवाहिक जीवन तथा प्रेम संबंध दोनों में ही किसी प्रकार की गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। विवेक से काम लेना तथा लोगों की बातों में ना आना यश में आपके लिए बेहतर होगी। तो दोस्तों इन चीज़ों पर आप में आपको गौर करने की आवश्यकता होगी। ये आपके लव लाइफ के लिए और प्रेम संबंध के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके घर परिवार के लिए समझूंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए समझूंगे, आपको बता दें घर का वातावरण यश में मधुर तथा अनुशासित रहेगा। सकारात्मक ऊर्जा भी यश में आपके ऊपर आपके घर के वातावरण पर व्याप्त रहेगी। आपको बता दें कि किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात भी यश में आपसे हो सकती है, जिससे माहौल जो है और भी खुशनुमा बन सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समझोगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए समझोगे, आपको बता दें कि प्रेम प्रसंगों में नजदीकी आने वाली है। डेटिंग पर जाने का अवसर भी आपको मिलेगा।
दाम्पत्य जीवन खुशनुमा बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों पारिवारिक लोगों के साथ कुछ समय मनोरंजन व फिर इनसे संबंधित कार्यों में जरूर व्यतीत करें, इससे पारिवारिक लोगों को खुशी और उत्साह महसूस होगा। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों इसमें स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। जो है डाइजेशन संबंधी समस्या हो सकती है, हल्का फुल्का सुपाच्य भोजन ग्रहण करें, ये आपके लिए इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों काम के साथ साथ उचित आराम लेना भी आपके लिए जरूरी होगा, अन्यथा थकान का दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर इसमें दिख सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि कार्यभार की अधिकता की वजह से पैरों में दर्द व फिर सूजन की शिकायत रह सकती है, उचित आराम लें तथा अपना मेडिकल चेकअप इसमें जरूर करवाएं। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगी, तो इन पर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपका भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और भाग्यशाली अंक रहेगा 5।